हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। ये है मेरे चैनल में सितंबर मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड पहला वीडियो। इसके पहले मैंने जनवरी मंथ से लेकर अभी तक बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। तो चलिए, इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच इंडियन कंपनी फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए इंडिया ने कौन से इंडियन कंपनी के साथ हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? इसका आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, द इंडियन नेवी ऑन ट्यूजडे साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर इंडियाज फर्स्ट लोकली मेड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम विद बोथ हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज, द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट। डिफेंस मिनिस्ट्री की एक स्टेटमेंट से ये पता चला है कि इंडियन नेवी ने ट्यूजडे को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारत का पहला लोकली मेड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें हार्ड किल और सॉफ्ट किल बोथ कैपेबिलिटीज लागू होंगी। नेवी फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950, कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। The second question is, recently IRCTC has launched the country's first indigenous cruise liner in partnership with which cruise company? हाल ही में IRCTC ने भारत की सबसे पहली स्वदेशी क्रूज लाइनर कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप में चालू किया है? इसका आंसर है कॉर्डेलिया क्रूजेस, अ प्राइवेट कंपनी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, कॉर्डेलिया क्रूजेस इज वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियम क्रूज लाइनर्स एंड एस्पायर्स टू प्रमोट एंड ड्राइव द क्रूज कल्चर इन इंडिया थ्रू एक्सपीरियंसेस दैट आर स्टाइलिश, लग्जूरियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनहेरिटेंटली इंडियन। कॉर्डेलिया क्रूज इंडिया के एक प्रीमियम क्रूज लाइन्स में से एक है, जो कि क्रूज एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा प्रमोट करती है। और ये लोगों का लक्ष्य है स्टाइलिश, लग्जूरियस और सबसे ज़्यादा भारत में जो इनहेरिटेंटली क्रूज लाइनरशिप की परंपरा है उसको चलाए जा सके। IRCTC वॉज फाउंडेड ऑन 27 सितंबर 1999, हेडक्वार्टर्स ऑफ IRCTC न्यू दिल्ली, चेयरमैन ऑफ IRCTC महेंद्र प्रताप मॉल। द थर्ड क्वेश्चन इज, विच मिनिस्टर गेट्स 4 लाख रॉयल्टी पर मंथ फ्रॉम यूट्यूब फॉर लेक्चर वीडियोज। लेक्चर वीडियोज के लिए कौन से मिनिस्टर को हर महीने 4 लाख रुपीज का रॉयल्टी मिलता है यूट्यूब से? इसका आंसर है यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, मिस्टर गडकरी एडेड दैट अंडर द एक्सप्रेस वे 60 मेजर ब्रिजेस, 70 इंटरचेंजेस, 17 फ्लाईओवर्स एंड 8 रोड ओवर ब्रिजेस विल बी बिल्ट इन द स्टेट। गडकरी जी से ये पता चला है कि 60 मेजर ब्रिजेस, 70 इंटरचेंजेस, 17 फ्लाईओवर्स और 8 रोड ओवर ब्रिजेस हाल ही में स्टेट्स के थ्रू बनाए जाएंगे, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में ये बनाए जाएंगे। यूट्यूब फाउंडेड ऑन 14 फरवरी 2005, हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडर्स ऑफ यूट्यूब चैड हर्डली, स्टीव शेन एंड जावेद करीम। द फोर्थ क्वेश्चन इज, हु इज न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के नए गवर्नर कौन बने हैं? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं, सिंह सक्सीड्स बेबी रानी मौर्या हु रिजाइन 2 ईयर्स बिफोर कंप्लीटिंग हर टेन्योर। अपने समय काल को पूरा करते हुए 2 साल पहले बेबी रानी मौर्य ने अपने पद के लिए इस्तीफा दिया था और गुरमीत सिंह ने उन्हीं का जगह लिया है। द ओथ ऑफ ऑफिस वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड टू साइन बाई द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट जस्टिस RS चौहान एट अ सिंपल फंक्शन हेल्ड एट राजभवन। राजभवन ने एक बहुत ही सिंपल फंक्शन के थ्रू हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं RS चौहान, उनकी मौजूदगी में चीफ जस्टिस ने अपना ओथ मतलब शपथ लिया है। द CM ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, निकनेम ऑफ उत्तराखंड देवभूमि मीन्स लैंड ऑफ गॉड्स, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून फॉर विंटर एंड गैरसैन फॉर समर। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, इंडिया इज प्लानिंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट इन बिटवीन विच टू स्टेट्स?
हाल ही में भारत ने कौन से दो राज्य के बीच में इलेक्ट्रिक हाईवे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बारे में प्लान कर रही है या फिर सोच रही है? इसका आंसर है बिटवीन द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड जयपुर इन राजस्थान। दिल्ली और राजस्थान के जयपुर के बीच में। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी सेड द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इन टॉक्स विद अ फॉरेन कंपनी टू बिल्ड द इलेक्ट्रिक हाईवे हिज ड्रीम प्रोजेक्ट बिटवीन दीज टू सिटीज एंड दैट द कंस्ट्रक्शन वर्क माइट स्टार्ट वेरी सून इफ द डिस्कशन कम थ्रू। यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इस बारे में एक फॉरेन कंपनी से बातचीत कर रही है, जो कंपनी के साथ मिलकर इंडिया का गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक हाईवे बनाएगी और ये नितिन गडकरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जो ये दो सिटीज़ के बीच में होगा और अगर सारे बातचीत ठीक ठाक रहा तो बहुत ही जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेस वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर प्रोपल्शन एंड कैन बी पावर्ड आइदर बाय एन इलेक्ट्रिक करंट कलेक्टर सिस्टम अ बैटरी। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा जो मोटर फॉर प्रोपल्शन में चलेगा और ये इलेक्ट्रिक बैटरी से पावर होगा, मतलब वो अपना पावर एक इलेक्ट्रिक बैटरी से लेगा। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट। हाल ही में कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका आंसर है पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अमरिंदर सिंह रिजाइंड एज पंजाब चीफ मिनिस्टर टूडे मंथ्स बिफोर पोल्स सेइंग ही हैड बीन ह्यूमिलेटेड ट्राइस एंड दैट द कांग्रेस इज फ्री टू अपॉइंट हूएवर दे ट्रस्ट। उन्होंने रिजाइन करते हुए ये कहा है कि वो तीन बार बहुत ही अपमान सह चुके हैं और कांग्रेस फ्री है जो भी वो चाहते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए, मतलब जो भी उनके लिए ठीक होगा उसको वो लोग चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं। गवर्नर ऑफ पंजाब बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल ऑफ पंजाब छत्तीसगढ़, स्टेट बर्ड नॉर्दर्न गोसवॉक एंड स्टेट एनिमल ब्लैक बक। The seventh question is who won the US Open Women's Double title recently? हाल ही में किन्होंने US Open Women's Double का टाइटल जीता है? इसका आंसर है समंथा स्टोसुर एंड जांग शुहाई। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। समंथा स्टोसुर एंड जांग शुहाई ओन देयर 11th स्ट्रेट मैच टू ट्रायम्प इन द US Open Women's Double फाइनल ओवर अमेरिकन टीनेजर्स कोको गॉफ एंड केटी मैकनैली। अमेरिका के टीनेजर कोको गॉफ और कैटी मिकनैली को हराते हुए समांथा सस्टोर और जुआंग शुआई ने 11 स्ट्रेट मैच जीता है और US ओपन वुमेन्स डबल के फाइनल में जीत हासिल किया है। इट इज़ देयर सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल एज अ टीम। एक टीम के तौर पर ये उन दोनों का सेकेंड ग्रैंड स्लैम है। द एट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी हैज़ हैंडेड ओवर अ पैसेंजर वेरियंट डोर्नियर एयरक्राफ्ट टू लीज टू विच कंट्री। हाल ही में इंडियन नेवी ने एक पैसेंजर वेरियंट डोर्नियर एयरक्राफ्ट कौन से कंट्री को लीज में दिया है? इसका आंसर है मॉरिशस। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द नेवी हैज़ हैंडेड ओवर अ पैसेंजर वेरियंट डोर्नियर एयरक्राफ्ट ऑन लीज टू द मेरीटाइम एयर स्क्वाड्रन ऑफ द नेशनल कोस्ट गार्ड मॉरिशस। इंडियन नेवी ने एक पैसेंजर वेरियंट डोरियन एयरक्राफ्ट को एयर स्क्वाड्रन नेशनल कोस्ट गार्ड मॉरिशस को लीज पर दिया है। द एयरक्राफ्ट वॉज प्रेजेंटेड टू द मॉरिशस पुलिस फोर्स एट एन ऑफिशियल सेरेमनी और ये एक ऑफिशियल सेरेमनी के द्वारा मॉरिशस के पुलिस फोर्स को प्रेजेंट किया गया था। The ninth question is, when was the birthday of our Prime Minister Narendra Modi? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे कब था? इसका आंसर है 17 सितंबर। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इंडिया अचीव द रिकॉर्ड लैंडमार्क इन इट्स वैक्सीनेशन कैंपेन अगेंस्ट COVID-19 ऑन द ओकेशन ऑफ पीएम मोदीज बर्थडे ऑन सितंबर 17th। सितंबर 17th को पीएम मोदी जी के बर्थडे के अवसर पर इंडिया ने COVID-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन का एक नया लैंडमार्क रिकॉर्ड हासिल किया है। In an extraordinary feat, the country vaccinated as many as 25 million citizens. बहुत ही अच्छे रफ्तार के साथ इस दिन पूरे देश में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करवाया गया। More than 3 times the average daily total of the past month. पिछले महीने के
जो रोजमर्रा का टोटल था उसके हिसाब से ये 3 गुना ज्यादा है। दिस ईयर प्राइम मिनिस्टर बिकम 71 ईयर्स ओल्ड, और इस साल हमारे प्राइम मिनिस्टर 71 ईयर्स के हो गए। द टेंथ क्वेश्चन इज वेयर इज द एक्सरसाइज पीसफुल मिशन इज गोइंग ऑन। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन कहाँ पे हो रही है? इसका आंसर है रशिया। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज पीसफुल मिशन इज अ मिलिटरियल एक्सरसाइज विच हैज बीन कंडक्टेड बाइनियरली एज पार्ट ऑफ द मिलिटरी डिप्लोमेसी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पीसफुल मिशन एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है और ये एक मिलिटरियल एक्सरसाइज है जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत मिल रहे सारे डिप्लोमेटिक कंट्री के मिलिट्री योगदान देंगे। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द 6th एडिशन ऑफ द मल्टी नेशन काउंटर टेरर एक्सरसाइज इन द ओरेनबर्ग रीजन ऑफ रशिया। रशिया के ओरेनबर्ग रीजन में हो रहे मल्टी नेशन काउंटर टेरर एक्सरसाइज में 6th एडिशन पर इंडिया ने भाग लिया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने आखिर तक इस वीडियो को देखा होगा या फिर सुना होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक में क्या जाता है, प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अगर कुछ आप लोगों को कहना हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, मैं हमेशा जवाब देती रहती हूँ। चलिए, आज के लिए ये वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।